कोई भी सरकार ने कुछ करके नहीं दिखाया। गूगल पे आंकड़े देखते हैं, वही बेरोजगारी वही बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने जो वादा किया वो कर नहीं रही, तो दो में से एक आरोप तो वापस लेना पड़ेगा ना। 15 लाख हर जेब में इस देश में आएगा। मोदी जी की जबान फिसली थी या वादा था, बताइए। बाप न मारी मेड की बिटवा तीरंदाज। दोस्तों आप भी गोदी मीडिया से परेशान हो, करप्शन से परेशान हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी लड़ाई है गोदी मीडिया के खिलाफ। तो आज का ये वीडियो बहुत ही बढ़िया और एंटरटेनमेंट होने वाला है, तो बढ़ते हैं वीडियो के आगे। जो आप लोग सब लोग नीतियों की बात कर रहे हैं, इससे बीजेपी से भी पहले कांग्रेस सरकार थी, सबने इतने वादे किए लेकिन कोई भी सरकार ने कुछ करके नहीं दिखाया। गूगल पे आंकड़े देखते हैं, वही बेरोजगारी वही बढ़ती जा रही है, वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। 5 साल सुधांशु जी, रोजगारी चरम पर, ये सवाल है। मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं। पहली बात तो मैं कह रहा हूं, एक तरफ तो हम पे ये आरोप है कि बीजेपी अपना एजेंडा लागू करती चली जा रही है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो वादा किया वो कर नहीं रही, तो दो में से एक आरोप तो वापस लेना पड़ेगा ना। दोनों एक साथ नहीं हो सकते कि हम अपना एजेंडा भी लागू कर रहे हैं, हम अपना भी। अब मैं उस पे भी आ रहा हूं, जहां तक रोजगार की बात है, सोशल मीडिया पे गाली देने वालों को रोजगार बीजेपी ने बढ़ाया, गौ रक्षा के लिए लिंचिंग का रोजगार बीजेपी ने बढ़ाया, धर्म धर्म टकराव का रोजगार बीजेपी ने बढ़ाया, ये तरह का रोजगार भाजपा ने बढ़ाया। सुनिए मैं जवाब देते हैं अभी, मन की बात, मन की बात, काम की कोई बात नहीं, खाली मन की बात, मन की बात, काम की कोई बात नहीं। आपने किया तो मैंने आपको डिस्टर्ब किया। चलिए डिस्टर्ब, आप जवाब देता हूं, अभी डिस्टर्बिंग का जवाब दीजिएगा। ये कहते 10 लाख नौकरी देंगे, बिल्कुल नीतीश जी कहते दिया ही नहीं जा सकता, मैं मुख्यमंत्री हो कह रहा हूं, अब कहते 20 लाख दिया जा सकता है। बिल्कुल आप सुनिए, आपने बीच में जानते क्या था, थोड़ा जबान फिसल गई थी तेजस्वी जी की, वो 10 लाख नौकरी नहीं, 10 लाख में नौकरी देंगे वो मोदी जी की जबान फिसल गई। और नौकरी देंगे इसके अलावा 15 लाख मोदी जी की जबान फिसली थी या वादा था, बताइए युवाओं को, बताइए, बताते हैं, बताइए ना, ये अभी बताते हैं, जबान फिसली थी मोदी जी की या 15 लाख बताइए सुधांशु जी। भाई राजद का प्रवक्ता है कि जदयू का प्रवक्ता है, राजद का प्रवक्ता है जदयू के, राजद की सरकार रही 15 साल और 1 लाख रोजगार नहीं दिए, अब कहते 20 लाख दे देंगे 2 साल में, जिसे कहावत में कहते हैं ना, बाप न मारी मेड की बिटवा तीरंदाज। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में इस तरह के एंटरटेनमेंट वीडियो आपको मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज की डेट में CBI डायरेक्टर कौन है, आलोक वर्मा या नागेश्वर राव? आज की डेट में CBI डायरेक्टर कौन है? नागेश्वर राव। आलोक शर्मा, गलत साबित करिए। डेट में CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा है, छुट्टी पर भेज दिया गया आलोक वर्मा, CBI डायरेक्टर है, लेकिन उनका जो छुट्टी पर भेजा गया उसके ऊपर मोहर नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, वो जो मोहर लगाई है वो आप बता दीजिए। और जो बार बार आप कह रहे हैं कि सपा का कांग्रेस से साथ टूट गया, मैं इसका उत्तर दे दूं, अभी जी न्यूज पर ही चल रहा था, उतर गया अखिलेश यादव जी ने जेपीसी की मांग की है, नागेश्वर राव जी को कहो थोड़ा हिंदी सीख लें। सर अनुराग भदौरिया को, नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ इनसे पूछ लीजिए जरा, नागेश्वर राव जी से चश्मा लगा कर, ये पर्सनल कमेंट मत करिए, शहनवाज की जगह यही बात है, थोड़े समझ के सवाल पूछ रहा हूँ, पर्सनल हो जाएंगे पत्रकारों को, आपको आपको मैं अंग्रेजी बोलने के लिए कहूँ आपकी हालत टाइट हो जाएगी, आपको मैं अंग्रेजी बोलने के लिए कहूँ आपकी हालत टाइट हो जाएगी, बोलिए अंग्रेजी, आप मेरे से अंग्रेजी में डिबेट करिए, आपको मैं अंग्रेजी बोलने के लिए कहूंगा, हालत टाइट हो जाएगी आपकी, नहीं होगी, आप उनकी लैंग्वेज पर कमेंट मत कीजिए, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, बता दो, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आप मेरे पहले लैंग्वेज पर कमेंट नहीं करेंगे, आप उनकी लैंग्वेज पर कमेंट नहीं करेंगे, आप उनकी लैंग्वेज पर कमेंट नहीं करेंगे। आप किसी पैनलिस्ट का अपमान नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, इंग्लिश कांग्रेस का सपा का रिश्तेदारी टूट गया नहीं, मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ, यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ, किसी भी भारतीय भाषा का अपमान नहीं होगा यहाँ पर, आपको बता रहा हूँ, मेरे पैनलिस्ट हैं, मैंने बहुत सम्मान से बुलाया उनको, आप बोल रहे हैं हिंदी सीख कर आइए, आप अंग्रेजी सीख कर आइए, आप अंग्रेजी में पंजाबी पंजाबी बोल के आइए, फिर जो बार बार सवाल कहाँ से क्या बोलकर आते हैं, आप कुछ बोलेंगे, क्या चल रहा है जी न्यूज़ पर उसको पढ़ ले सर, आप मैं आपको बताऊं, भाजपा का पक्ष रखते रखते लोग बावले हो गए। एक मिनट आलोक शर्मा, आप जानते हैं ZMCL क्या है? मैं ना रोज सुनता हूँ आप लोग जी मीडिया पर सवाल उठाते हैं, ऑडियो बंद करिए इनका, आप जानते हैं ZMCL क्या है? ZMCL 100 से ज्यादा देशों में देखा जाता है, ZMCL 1 अरब से ज्यादा लोग देखते हैं, ZMCL के 100 से ज्यादा चैनल हैं,
कांग्रेस पार्टी 10 कांग्रेस पार्टी समा जाएंगी ZMCL में, इतना बड़ा है ZMCL। कांग्रेस पार्टी 10 कांग्रेस पार्टियां समा जाएंगी एक ZMCL में। कोई भी ऐरा गहरा आकर ZMCL के खिलाफ बोल जाएगा, कोई भी ऐरा गहरा आकर जी मीडिया के खिलाफ बोल जाएगा, मैं आपको अलाउ कर दूंगा, मैं आपको अलाउ कर दूंगा। कोई भी ऐरा गहरा आकर जी मीडिया के खिलाफ बोलेगा, आज के बाद जी मीडिया के खिलाफ उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे आप, एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। आरएसएस और बजरंग दल के लोगों को एक शब्द नहीं बोलेंगे आप जी मीडिया के खिलाफ। आप जैसे उनकी सुन लीजिए जरा क्या कह रहे हैं, वो टॉपिक पे रहिए और किसी पैनलिस्ट का अपमान करके बात मत कीजिए। आप एंकर हैं सर, आप एंकर हैं, आप मेरे पैनलिस्ट का अपमान नहीं करेंगे। आप उंगली करेंगे मैं पैनलिस्ट की तरफ हाथ भी बढ़ाऊंगा, आप पढ़ाएंगे उनको हिंदी, आप उंगली मत कीजिए। आप मैं आपको समझा रहा हूँ, एंकर बन के सवाल पूछिए मैं उत्तर दूंगा। आप मेरे पैनलिस्ट का अपमान नहीं करेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ। आज के बाद बोलिएगा, उंगली करके बात मत कीजिए। आज के बाद ZMCL के खिलाफ सोच कर बोलिएगा। मैं अभी बोल रहा हूँ कि जी न्यूज पूरी तरह से बीजेपी का मुखौटा बन गया। सर मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, आज के बाद जी न्यूज ZMCL के खिलाफ एक शब्द मत बोलिएगा। इतिहास पढ़ लीजिए, अक्कल आ जाएगी आपको। कोई भी आ रहा आकर आकर जी मीडिया के खिलाफ बोलेगा, चार बीजेपी के लोगों को बुलाकर बैठाएगा, हम जरूर बोलेंगे। आप जैसी हम जरूर बोलेंगे, इतना बड़ा ZMCL। छोड़िए, आप आपसे एक सवाल पूछूं, आपकी हालत टाइट हो जाती है। अरे साहब रहने दीजिए, कौन है डायरेक्टर? आलोक वर्मा, नागेश्वर राव। लड़ते लड़ते रहने दीजिए,